हेलो दोस्तों, कैसे जैसे हो, बढ़िया होंगे तो मैं आज को नई वीडियो लेके। और भाई, इस वाले गेम प्ले में तुम्हें सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले देखने को मिलेगा। चिकन डिनर नहीं हो पाएगा, लेकिन किल्स काफ़ी होंगे। और फिर तुम्हें मैं बताऊंगा मैं क्यों मरा, क्या मिस्टेक की मैंने, और तुम्हें वो नहीं करनी तो मैं बता दूंगा तुम्हें। और भाई, यहाँ पर तुम्हें वीडियो थोड़ी और अच्छी दिख रही होगी पहले के मुकाबले, क्योंकि मैंने थोड़ी स्ट्रेच कर दी है। पहले वो ब्लैक बार्स आते थे, तो बताना भाई कैसी लग रही है वीडियो, मतलब पहले के मुकाबले। तो भैया, यहाँ पे हमने एक बंदा नॉक कर दिया, मतलब पूरा खा ही चुका है नॉक करके। और ये इसका वो बंदे इसलिए मेरे को कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उनके पास गन नहीं थी। मेरी लैंडिंग सही हो गई थी इधर। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को थोड़ा मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बच जाता है। AKM धोखा दे देती है, क्योंकि AKM है स्प्रे के लिए नहीं है, वो तो क्लोज रेंज के लिए है। AKM क्लोज रेंज में OP है, लेकिन स्प्रे के लिए भैया बेकार है। तो अब एक बंदा मेरे पर गोलियाँ चला रहा है, तो भैया उसको भी देखना पड़ेगा जल्दी से। वो स्कार ले रहा है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भैया चेक तो कर ही लेंगे। तो अब एक बोट आ चुका है, तो इसको हम मार के अपनी थोड़ी भड़ास से निकालेंगे। कोई बंदे बंदों पे तो हमारे हाथ लगे नहीं रहे, मारते हैं यार नीचे हो जाते हैं, कोई कंटेनर पे तो कूद जाता है। तो पहले मैं बोट को मारता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, और फिर भैया फिर से चलते हैं बंदे को मारने। तो अभी 1v4 के क्लचेस भी हैं इसमें, तो बस देखते जाओ, मज़ा आएगा। और दो तो फनी किल्स हैं, मतलब दो टीम्स को मैंने ऐसे मारा, तो काफ़ी मज़ा आया उसमें। तो एक बंदा यार इधर से भागता हुआ आ रहा था, शायद उसने मेरे पर नज़र नहीं दिया क्या हुआ, उसकी गन्स पीछे थी, पूरी तेज भाग रहा था शायद। और उसको मैंने पेल दिया, पूरा ही ख़त्म कर दिया भाई देखो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उसे छोड़ वोड़ देता भैया रिवाइव होकर, मेरे पे दिक्कत होती। 1v4 मैं एक साथ नहीं झेल सकता। तो यहाँ पे यार ये बंदा मेरी काफ़ी हेल्थ खा जाता है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉक कर देता हूँ। और फिर इसका टीममेट के मुझे पैर से दिख जाते हैं, क्रेन के टायर के पीछे। तो मैं पैरों पर मारता हूँ और वो नॉक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एड मारता हूँ फिर जल्दी से, क्योंकि अगर फर्स्ट एड नहीं मारता तो कुछ भी पता भाई, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एड मार ले तो थोड़ा मतलब ऐसा तो रहेगा कि हाँ भाई एकदम नहीं मरूंगा एक गोली में। तो वो बंदा यार जहाँ तक भी रिवाइव ही करेगा अपने बंदे को, मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन वो रिवाइव नहीं कर रहा था, वो TP पी ले रहा था। वो सोच रहा था कि मैं वेयर हाउस के पीछे से आऊँगा और यहाँ पे बैठ के TP पी ले रहा था पीछे वाले वेयर हाउस की तरफ को, मतलब कि जैसे मैं उधर से आऊँगा और ये एकदम मार देगा। तो लुल हो गया इसके साथ, तो हम लूटेंगे ना भर भर के। तो मैं पोचिंग की मैं ऐसे ही मतलब आ चुका था राउंड मारने के, चलो भाई किल विल छीनते हैं। और गाइज, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे गेम प्ले में मुझे चिकन डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ किल्स के लिए मतलब मज़े के लिए खेलता हूँ। तो यार चिकन डिनर कई बार मेरे गेम प्लेज में नहीं होगा, तो बता देना यार कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब इस बात से चिकन डिनर तुम्हें चाहिए चाहिए, चाहे किल्स कम हो जाए तो बता देना किल्स चाहिए या फिर चिकन डिनर। तो अब देखना, मैं यहाँ पे कोचिंग की में से घर में से निकल के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रोकते दिक्कत होती। फिर मैं थोड़ी देर तक ऐसे TPP लेके देख रहा था इन्हें कि ये क्या कर रहे हैं। तो भैया सारे गाड़ी ला के उस पर बैठ गए, जैसे ये गाड़ी यहाँ बैठे एकदम मैंने उनको पेल दिया। तो एक बंदा तो इनका ऊपर भाग गया, और एक चला गया सीढ़ियों के द्वारा रिवाइव होने। तो मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा हो रहा है, मतलब इससे आगे भी एक बंदा चला जा चुका है, मतलब कैसे गया है वो मुझे नहीं पता। तो वो रिवाइव होने लगेगा, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। अगर मुझे पता होता कि वो रिवाइव वगैरह कर रहा है तो मैं पहले ही रश कर देता, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि भाई अकेले बंदा ऊपर है तो अभी रश वश नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा देखो, मैं ढूंढ रहा हूँ उसी बंदे को, ठीक है, कि कहाँ पर तीसरा बंदा, क्योंकि चार बंदे थे ये। तो मैं इन्हें थोड़ा लूट लेता हूँ, 6x मिल गया मुझे, TP पे लगा लूँगा। तो मुझे फर्स्ट एड करने की आवाज़ आई और एकदम मैं घुस गया। मैंने सोचा वो बंदे की हेल्थ लो है इसलिए कर रहा होगा, लेकिन भैया यहाँ पे दो बंदे बैठे थे। तो अच्छा हुआ यार M762 थी और बचा लिया मुझे क्लोज रेंज में, क्योंकि 7.62 इज़ OP। तो भैया यहाँ पे हम फिर थोड़ा लूटपाट करके थोड़ा सेलेक्टिंग करेंगे, कोई जो भी मतलब बेकार चीज़ उन्हें हटा के बढ़िया बढ़िया चीज़ लगा के सब एडजस्ट करके अपना निकल लेंगे इधर से। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ शेल्टर में, और यहाँ पे देखना क्या होगा, फिर से लुल होगा, ठीक है। वहाँ उन पुलिस वालों के साथ तो हुआ ही लुल, अब इनके साथ लुल होगा। तो ये देखो भैया, ये भैया किसी पे मतलब शूट कर रहे थे, इनको पता नहीं मेरी गाड़ी की आवाज़ सी नहीं आई, और किसी और पे लगे हुए हैं मतलब लॉन्ग रेंज में टैप 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 करके। तो पीछे से मैंने इनके दो बंदे तो मैं खा चुका हूँ, और एक बंदा जो है ये धीरे धीरे पीक कर रहा है, मतलब पूरी पीक नहीं कर रहा लेकिन धीरे धीरे कर रहा, तो दिक्कत हो रही है। तो अब मैं थोड़ा नेड़ कर दूंगा कि भैया नेड़ वेड़ लग जाए, क्या पता भाई हो जाता है, कहीं पर तुक्का लग जाता है वैसे नेड़ का। तो अब एक बंदे का मुझे हल्के से पैर से दिखेंगे, तो हम उसे खाएंगे पहले तो, ठीक है। अब एक बंदा बच चुका है लास्ट, तो वो मोस्ट प्रोबेबली रिवाइव ही करेगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अब ये रिवाइव करने लग रहा था इस बंदे को, तो इसको भी हम मार देते। गाइस यहाँ पे भैया इतनी सारी लूट मिल चुकी है, पूरा स्क्वाड चला गया। और यार तुम सोचोगे इतना इजीली कैसे मार रहा तू, तो यार भैया क्या करें यार, अपोनेंट मतलब कहीं और लगे पड़े हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है पीछे से मार रहा हूँ। तो यार वो ये है, मैं थोड़ा स्टेल्थ खेलता हूँ 1v4 में, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में तुम नहीं खेल सकते यार, फेस टू फेस लड़ाई नहीं ले सकते तुम, मारे जाओगे, मतलब चार बंदे यार एक साथ नहीं निपट सकते तुम। और वही मेरे साथ अब होगा, तुम देख लेना बस, लास्ट में खुश हो जाना।
और अब देखना मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे यार एक दो बग्गी जा रही थी, तो इसके बग्गी के पता नहीं क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर इसका नेट चला गया, जो भी था ये बीच में रुक सी गया और फिर मैंने ठोक के से मार दिया इसको, मतलब AFK सा हो गया था ये 2 मिनट के लिए। तो इसका एक बंदा अब DP चला रहा है लेट के, एक को मैं और खा चुका हूँ मतलब, और एक बंदा अभी और बच रहा है जो कि DP चला रहा है। तो मैं ऐसी फॉल्स फायर से करता हूँ, मुझे लगता है उधर ही पड़ा है, तो वो सच में उधर होता है भैया, वहाँ पर हमारा मतलब तुक्का लग जाता है और स्कोर हो जाती है, ये भी ख़त्म, मतलब 3 मैन स्कोर थी ये, पूरी स्कोर नहीं थी। तो गाइज अब टाइम आ चुका है भैया गलती देखने के लिए, कि जो गलती मैंने करी वो तुम कभी मत करना, और वो है कि सोलो वर्सेस कोड, या फिर सामने टीम में ज़्यादा बंदे तुम्हारी में कम है तो ओपन में फाइट लेने से बचो, कवर में रहो, ठीक है। और यहाँ पे भैया हम किल के चक्कर में भूल जाते हैं ये चीज़ और जल्दबाजी में कर देते हैं काम तमाम। तो मैं इसको मार के खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एकदम से मुझे कोई सपेरा मारता है, ठीक है, उठ के मारता है, फिर दोबारा सांप बन जाता है। और भाई यार इतना बड़ा सपेरा था ये, मतलब अब देखो उठ के भी जा सकते थे, वहाँ तक ही तो जाना है, लेकिन नहीं, लेट लेट के जाएगा पूरा स्मोक वगैरह करके, जबकि इतनी छोटी जोन भी नहीं थी। तो चलो भाई यहाँ पर गलती हुई, लेकिन 19 kills 2400 का डैमेज था, तो मैं तो भाई मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं तो खुश हूँ। और तुम बताओ यार तुम्हें चिकन डिनर ज़्यादा मतलब चाहिए अगर मैं गेम प्ले वीडियो डालूं, या फिर किल्स ज़्यादा चाहिए, किल्स या मतलब उनके साथ फिर टिप्स टिप्स भी आएंगी जब किल्स ज़्यादा होंगे, तो बता देना भाई नीचे कमेंट करके। और गाइस सॉरी यार कल वीडियो नहीं डाल पाया था। तो गाइस ये है गेम प्ले 3 मैन स्क्वाड का, फुल रश गेम प्ले है मतलब रेंगल का, तो इसे देखना मजा आएगा तुम्हें। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं वो नहीं, उसका नहीं आया, उसका नहीं आया, वो आता तो नाम खत्म हो जाता उसका वहाँ से।